अखिल भारतीय किसान सभा कोटड़ा ने रैली निकालकर प्रधानमंत्री के नाम ज्ञापन दिया। उदयपुर कोटड़ा 9 अगस्त अखिल भारतीय किसान सभा कोटड़ा ने रैली निकालकर उपखंड कार्यालय पर प्रधानमंत्री के नाम ज्ञापन दिया व जेल भरो आंदोलन किया। यहां के किसानों व आदिवासियों की समस्याओं को लेकर जिसमें मांग की गई कि वनाधिकार कानून, महानरेगा कानून, सूचना का अधिकार कानून जैसे जन कल्याणकारी का नून बने, लेकिन यहां पर सरकार की किसान विरोधी नीतियों के कारण उनको ईमानदारी से लागू नहीं किया, जिससे आज भी आदिवासी क्षेत्रों में अधिकांश जनता को पट्टे नहीं मिले हैं। महानरेगा को भी सही तरह से लागू नहीं किया गया, इसमें यहां पर पूरी तरह भ्रष्टाचार किया जा रहा है। हमारे यहां प्रशासन, पुलिस व वन विभाग द्वारा हमारे को कब्जे की जमीन से बेदखल करने का भी प्रयास कर मारपीट करने व झूठे मुकदमे कर परेशान किया जाता है। यह पर महानरेगा का काम भी नहीं चल रहा, जिससे भुखमरी की नौबत आ गई है। इस बार अधिक वर्षों होने से फसलों को भी भारी नुकसान हो गया है। यहाँ के गांवों में पेयजल, बिजली, सड़क नहीं, विद्यालय है तो अध्यापक नहीं, जिससे छात्रों को भविष्य अंधकारमय हो रहा है। अस्पतालों में डॉक्टरों व सुविधाओं का अभाव है, जिससे लोगों को गुजरात पर निर्भर रहना पड़ता है। वहां पर भी अधिक खर्च की वजह से लोग इलाज नहीं करा पाते और लोग बेमौत मारे जा रहे हैं। हमारे यहां समय पर खाद्यान्न भी नहीं मिलता, मिलता है तो उसे भी कम तोल कर दिया जाता है। इस तरह भारी लूट मचा रखी है, इससे परेशान होकर आज जेल भरो आंदोलन किया। स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू कर किसानों को उनकी लागत से डेढ़ गुना समर्थन मूल्य दिया जाए, किसानों के ऋण माफ किया जाए, इन विषयों को लेकर आज आंदोलन किया गया, जिसमें दल्लाराम लुर अध्यक्ष, चुन्नीलाल तहसील मंत्री जगदीश पारगी व इब्राहिम अब्बासी व जिला कमेटी सदस्य शंकर जी भी विचार रखे। कोटड़ा से पनावड़ा टीवी के लिए देवाराम सेन की रिपोर्ट। इसलिए घबराने का नहीं है, सामने मुकाबला करेंगे सर। आज इतने साल हुए, कभी अपना आदिवासी त्योहार पे राशन के बिना नहीं रहा था। आज पहली बार ऐसा हुआ है कि तीन तीन महीने से राशन नहीं मिल रहा है। क्यों नहीं मिल रहा है? किसकी कमजोरी है? सरकार की कमजोरी है। कोई कमी पेशी इनके होगी तो इनका इनको संभालना सही थे। उनमें हमारा आदिवासी क्या करेगा बेचारा? डीलर को कहते हैं कि तुमने लिस्ट पे अनाज क्यों दिया, ये घाटा तुम पूरा करो। कहाँ से पूरा करेगा डीलर? लोगों को दिया वो कहाँ से पूरा करेगा? इनकी आपस में कोई रेखा की कमजोरी की वजह से आज हमारा आदिवासी बिना अनाज से त्योहार मनाया है साथियों। इसलिए आप उनको बहुत तैयारी के साथ में लड़ना है, ये सूख के बैठना नहीं है साथियों। मेरी बात इन्हीं के समान करें।